नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संयुक्त रसोई में। आज हम बनाने चल रहे हैं खड़ी मूंग की नमकीन, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने मूंग को 8-9 घंटे गला के बढ़िया से इसका पानी धो के निकाल दिया है, और थोड़ा सा 1 घंटे कॉटन के कपड़े में लपेट के इसको सुखा लिया है। कढ़ाई गर्म हो रही है हमारी कढ़ाई, अब इसमें हम इसको डाल के नमकीन बनाएंगे। सबसे पहले हम आधा डालेंगे इसको, इतना डालेंगे और इसको अच्छे से चला देते हैं। अब ये हमारी हो गई है बढ़िया से। अब हम इसको फोड़ के चेक कर लेते हैं, देखो कितनी बढ़िया क्रिस्पी हो गई है, एकदम चूर चूर हो जा रही है बढ़िया। अब ये हो गया है, हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। नहीं, सबको निकाल लिया, अब इसका तेल निकल जाएगा धीरे धीरे नीचे। मैंने एक थाली में रख दिया है, और बाकी के जो बचे हमारे इनको भी हम इसमें तल लेते हैं। देखिए, हमने इसको बढ़िया से निकाल लिया है, इसका ऑयल भी लगभग कितना बढ़िया चमक रहा है, और ऑयल हमने निकाल दिया है, इसको एकदम फ्रेश कर लिया। आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑयल अब उसमें नहीं रह गया, अब इतना तो चमकेगा ही फ्राई हुआ है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालेंगे हम इसमें। नमक हम 1 छोटी चम्मच डालेंगे, और स्वाद के अनुसार, जैसा आप कम ज़्यादा नमक खाना चाहें। तो हमें अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ डालना नहीं है। आप चटपटा खाते हो तो आप इसमें कुछ चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला ये सब, पर हम सिर्फ नमक डाल रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने मिक्स कर लिया इसको नमक अच्छी तरह। खड़ी मूंग जैसे आप चाहें तो पीली दाल की भी बना सकते हैं, मूंग की धुली हुई आप खड़ी मूंग को भी बना लें, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है ये नमकीन छिलके वाली, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हमारी आगे की आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।